तो दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो मुझे यहाँ पे पेपर और एजुकेशन सेक्टर को लेकर बहुत मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इससे पहले आप लोगों के सामने रेप्रो इंडिया के बारे में बताया था, तो रेप्रो इंडिया को जो भाव में मैंने आप लोगों को बताया था वो वहाँ से 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना हो चुका है और अभी भी ऊपर अच्छा जाने के लिए तैयार है। फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड कंपनी है। हालांकि दोस्तों आज एक ऐसे शेयर के बारे में मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ, वो है दोस्तों सटिया इंडस्ट्रीज। सटिया इंडस्ट्रीज का अगर आप पी मल्टीपल्स देखेंगे तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा लगभग 4.5 यहाँ पे नजर आ रहा है। सटिया इंडस्ट्रीज को यहाँ से दोस्तों काफी ऊपर जाने का हाईली चांसेस, क्या क्या पॉइंट नजर आता है स्टेप बाय स्टेप शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप वो पॉइंट को अगर लिख लेंगे तो दोस्तों आप मेरे जैसे लॉन्ग टर्म होल्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों सटी इंडस्ट्री का भी जो शेयर प्राइस 130 के आसपास चल रहा है, मुझे यहाँ से सीधा सा टारगेट नजर आता है 750, मतलब यहाँ से दोस्तों कम से कम 5 गुना नजर आता है, 5-6 गुना नजर आता है। आखिर की टारगेट क्यों नजर आता है मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, और क्यों यहाँ पे पी रेटिंग होगा कुछ पॉइंट है, जरूर आप सुनिए, अगर आपको अच्छा लगेगा आप होल्ड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू किया जाए। तो दोस्तों जैसे कि हम अभी आ चुके हैं स्क्रीनर पे, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ समझाना पड़ेगा। तो जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा प्लीज़ वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है नहीं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए है नहीं, हम यहाँ पे पी रेटिंग के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फोकस करेंगे सारे फंडामेंटल्स पॉइंट के ऊपर, तो सटी इंडस्ट्रीज पेपर सेक्टर का एक ऐसी कंपनी है जो बुक्स, कॉपी, एनवेलप, डायरी, कैलेंडर, कंप्यूटर, स्टेशनरी, ये सारे जगह पे मास्टरी है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे कंपनी होता है जो वेस्ट को वेल्थ बनाना जानता है, तो इसमें एक नाम है सटिया इंडस्ट्रीज, ठीक है। और ज़्यादातर ऊड से बनाता है, ज़्यादातर ऊड मतलब बैम्बू से बनाता है, एंड रिसाइकलिंग जो पेपर है उससे फिर से बनाना जानता है। तो दोस्तों बाकी सारे अगर पेपर कंपनी को देखेंगे ना, वो सेम तरीके से ही बनाते हैं, कोई पल्प नहीं, दूसरे सोर्स का ऑफ जैसे कि हो सकता है कोई राइस का जो रेसिड्यू है उनसे बनाता है, बट सटिया के लिए मेन है उनका कस्टमर, वो कस्टमर ही उनको बेनिफिट देता है। क्योंकि अगर हम इनका कुछ अगर आप सबसे पहले आके यहाँ पे देखते हैं ना, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक चीज़ देखते हैं ना, ओपीएम को देखिए किस तरीके से 2019 के बाद ओपीएम बढ़ रहा है, 22, 23, 22, अभी टीटीएम में 25 चल रहा है। अरे टीटीएम के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं रिसेंट कुछ क्वार्टर में भी शानदार तरीके से बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। ऐसी तो बात नहीं है दोस्तों सिर्फ एक क्वार्टर दो क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आ गया, इसके दौरान बहुत समय में क्रूड बढ़ा, क्रूड ये हुआ, क्रूड हुआ, बट यहाँ पे इन लोगों के पास कुछ ऐसे तकनीक है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर ही ने कुछ ऐसे तकनीक है जिनके बलबूते पे ये ओपीएम को सस्टेन कर पा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट में आ जाइए, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल में देखिए 24% यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, एंड टीटीएम में तो 74%। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सस्टेन करेगा, बट अगर ये 30% जो रेगुलरली दिखा रहा है ऐसे भी चले, तो ये इनको यहाँ पे जो मल्टीपल्स अभी मार्केट दे रहा है ना, तो ये डेफिनेटली होगा। मतलब हम लोगों का जो टारगेट है 5 नहीं है, हम लोगों को चाहिए 20 नहीं तो 25, ये पी की बात बोल रहा हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ सारे पेपर सेक्टर रीरेटिंग हो जाए, तो इसमें सबसे बेहतरीन कौन होगा, क्योंकि इनका टारगेट ये आएगा क्योंकि छोटे कंपनी है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ छोटी कंपनी है, देखिए मार्केट कैप 1300 करोड़ के पास है। अगर आप पेपर कंपनी का सारे चीज़ देखेंगे ना, सारे के सारे अपडेट देखेंगे, सबका सबका आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा है, तो आपको बहुत कम कंपनी मिलेगा जो रेगुलर बेसिस में कौन कॉल दे रहा है। मतलब इन्वेस्टर फ्रेंडली तो होना ज़रूरी है ना, प्लस आप देखिए ये मुश्किल वक्त में भी इन लोगों ने अपडेट देते रहे। मुझे 1000 से मतलब अगर आप देखते 600 700 800 नहीं तो 2000 के आसपास जितने सारे कंपनी जो रेगुलर बेसिस में कॉन कॉल देता है वो मैनेजमेंट के ऊपर अच्छा लगता है, क्योंकि चोर तो नहीं है, अगर चोर होता तो ऐसे डिस्क्लोजर नहीं देता। प्लस अगर आप इन्वेस्टर में जाएंगे यहाँ पे ट्रेड में देखते हैं, तो दोस्तों आप देखते हैं डायरेक्टर को छोड़ दीजिए, मेन जो है अजय कुमार सटिया जी, इन्होंने लगातार बेसिस में माल को खरीदते जा रहा है।
डायरेक्टर यहाँ पे डिसीजन लेने वाला नहीं है, मेन जो प्रमोटर है वो यहाँ पे देखते हैं रेगुलर बेसिस में माल को उठा रहा है, जो हम लोग को डिसीजन लेने वाले बंदे चाहिए। फिर अगर हम बैलेंस शीट का नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो हम देखते हैं ना 2012 से लेकर 2023 तक एक बार भी शेयर कैपिटल को छेड़खानी नहीं किया। देखिए 2012 में इन लोगों को रिजर्व था, कंपनी के पास सिर्फ 50 करोड़ से भी कम माल था, अब यहाँ पे 750 हो चुका है, बोरोइंग भी उस रफ्तार में नहीं बढ़ रहा है। इन लोगों का ये डिस्क्लोजर है, जो बोरोइंग है ना ये अगले समय में कम होगा। क्यों कम होगा, कैसे कम करेगा, पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ। लगातार फिक्स एसेट को बढ़ाया जा रहा है और लगातार कैपेक्स चल रहा है। देखिए किस तरीके से 2019 से कैपेक्स करते जा रहा है, तो फिक्स एसेट बढ़ेगा ना, तो दोस्तों उससे ये लोग और एक्सपेंड कर पाएगा, और एक्सपेंड तो तभी संभव है ना, क्योंकि अगर इनका जो क्लाइंट है ना उनको लगातार हेल्प करते रहे, हेल्प तो कर रहा है ना दोस्तों। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, अगर आप सबसे पहले ऊपर से देखिए, मैं डिटेल्स में जाऊँगा, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते मीडिया रिलीज करके, ये जो मैं यहाँ पे मार्क किया, तो यहाँ पे देखिए लगभग 100 करोड़ का एक ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर कहाँ से आया है, ये है इनका ताकत, मैं आपको दिखाऊंगा। क्रेडिट रेटिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो क्रेडिट एजेंसी है जो लोन के बारे में बोल रहा है, दे आर बुलिश ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज। फिर भी कुछ वीक पॉइंट भी है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो लीडरशिप पीपल है, जो अजय सटिया जो माल को खरीदा जा रहा है, जो खरीद रहे, ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान है, अच्छे डिसीजन लेना जानते हैं, एंड एक अच्छे जो मैनेजमेंट होता है ना उनके साथ बड़े क्लाइंट का एक अलग कनेक्शन होता है, बड़े ऑर्डर लेके आ सकता है जो यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए बाकी कंपनी में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, जो सटिया में देखने को मिलेगा वो क्या है, वो है दोस्तों जो मैं आप लोगों के सामने शेयर किया हूँ। आप देखिए मार्की क्लाइंट, जितने सारे एडुकेशंस का बोर्ड है ना हमारे भारत में, सब में लगातार सबसे बड़े तो देख सकते हैं ना आप, CBSE से हो, ICSE से हो, अगर CBSE से हो तो आपने ज़रूर NCERT का बुक पढ़ा होगा, इनको ये छोड़ के तो आप पढ़ाई कुछ नहीं कर सकते ना। तो मतलब अगर NCERT को देखिए, फिर आप देखिए छत्तीसगढ़ का, फिर देखिए स्टेट कमीशन UP का, DAV का, हिमाचल प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का, मतलब आसाम बोर्ड का, ओडिशा बोर्ड का, बलवर्दी का, सारे गवर्नमेंट का फॉर्म, ठीक है ना, इनका क्लाइंट है। तो ये कंपनी डिफॉल्ट होने का चांसेस तो नहीं है, क्योंकि लगातार हर साल बच्चे पढ़ेगा, हर साल और भी इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना दोस्तों, और भी नए नए स्टूडेंट आएगा, हर साल आएगा, सबको तो पढ़ना पड़ेगा ना, बुक चाहिए ना, बुक के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो सब में सटिया का फायदा है, क्योंकि इन लोगों से एडवांस आता है पैसा। अगले साल 2024 में जो बुक्स पब्लिश होगा उनका ऑर्डर आ चुका है, जो आपने अभी देखा, समझे। फिर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैं जा रहा था कोलकाता से वेलोर तो डॉक्टर दिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने देखा रेलवे जो जैसे जैसे खाना देता है ना, तो उसमें कागज़ का भी एक पोर्शन होता है, वो ऑर्डर भी सटिया के पास है, ये शायद बहुत कम लोग जानता है। उसमें अगर आप नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे तो ज़रूर आप देख सकते हो उस स्पेशल पेपर में, क्योंकि जो खाना आता है ना उसमें बहुत सारे अभी प्लास्टिक को छोड़ के अभी पेपर का यूज़ होता है, तो वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। रिसेंट डेवलपमेंट में देखिए तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, रेटिंग बढ़ गया, डेफिनेटली बढ़ना ही चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर मिला है हिमाचल प्रदेश से, तेलंगाना से, झारखंड से, NCERT से एंड DAV से, 20,000 टन का यहाँ पे ऑर्डर मिल गया है, ठीक है। तो ये अगले साल के लिए, ठीक है, तो क्योंकि इन लोग देखते हैं ना कैपेक्स हर समय में कर रहा है, कैपेक्स क्यों कर रहा है, क्योंकि इन लोगों को ऑर्डर मिल रहा है, उनको एग्जीक्यूट भी करना है, एंड ये मैनेजमेंट को वो करना आता है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर में, आप देखते हैं वॉल्यूम भी इन लोगों का बढ़ रहा है, एंड अगर हम सेल्स नंबर को देखते हैं, सेल्स नंबर दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है वॉल्यूम और एक होता है प्राइस, मतलब रियलाइजेशन, तो ये दोनों चीज़ बढ़ रहा है, तो इसीलिए क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखेंगे ना शानदार तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वीक पॉइंट भी आपको बताऊंगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम से इनकम भी बढ़ रहा है, एंड इस हिसाब से आप बोल सकते हैं ना पर शेयर इनकम बढ़ रहा है, तो EPS बढ़ रहा है, EBITDA भी देख सकते हैं शानदार तरीके से, PAT भी उसी ढंग से बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे
बाकी जो जी डाटा ये आपको नज़र आ रहा है अच्छा नज़र आ रहा है, बट एक चीज़ आपको नज़र और भी करना है नेगेटिव भी थोड़ा सा, जो डेट है ना डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेट बहुत सारे कंपनी को खाता है, इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। जो 2024 का फर्स्ट क्वार्टर का डाटा है वहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया 841। क्या ये लाख में है, ये मिलियन में है, तो मतलब 84 करोड़ का आसपास यहाँ पे आ चुका है। उस हिसाब से आप देखें अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, ठीक है। तो बेसिक एंड डाइल्यूटेड जो है 4.6 से 8.4 हो चुका है, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। अब यहाँ पे देख ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, बट उस हिसाब से शेयर नहीं चला है, शेयर यहाँ से काफ़ी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। और कुछ पॉइंट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं ना, वो जो ऑर्डर के बारे में बोल रहा था, तो वहाँ पे सर्टिया इंडस्ट्रीज को 96.5 करोड़ का ऑर्डर कहाँ से मिला था, तो ये ऑर्डर मिला था आप देख सकते हैं ओडिशा हिमाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल से, ये बुक्स का ही ये कब मिला था, सितंबर 5 को मिला था। उस शेयर भी थोड़ा बहुत हुआ, बट ये तो एक झलक है यहाँ पे रीरेटिंग होने का। दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले आपको सबसे पहले इसी कंपनी का CFD रेशियो देखना चाहिए। CFD रेशियो क्या है, मैंने जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन होता है वो डेफिनेटली आपका 0.9 से ऊपर होना चाहिए। मतलब ये जो बैलेंस शीट में ये जो PNL में दिखा रहा है प्रॉफिट, वहाँ से कम 90% तो आना चाहिए। तो ये तो दिखा रहा है 1.75, मतलब पूरा का पूरा पैसा एंड पुराना दिन में जो भी बिजनेस किया था वो पैसा भी आ गया है। अगर आप उसका सबूत देखते हैं तो कैश फ्लो में जाइए, आप देखते हैं लास्ट कुछ समय में कितने शानदार तरीके से इनके पास कैश आ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से कैश आ रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं रेशियोज़ को भी, रेशियोज़ में हम देखते हैं डेटर डे कम हो गया है। डेटर डे कम होना बहुत ही बढ़िया बात है। इन्वेंट्री भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, एंड जो जिससे रॉ मटेरियल परचेस करता है उनको अच्छे तरीके से ये लोग ने पेमेंट भी कर लिया, तो पेएबल डे भी कम लग रहा है। एंड कैश कन्वर्शन साइकिल भी देखते हैं 57 हो चुका है, ये भी बहुत ही शानदार है, ठीक है दोस्तों। एंड रिटर्न रेशियो ROCE आप देखते हैं, ये शानदार है, शानदार तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ है इनको एसेट जो है उसका, और इसके वजह से हम देखते हैं ना PNL में TTM में शानदार रिजल्ट नज़र आ रहा है, एंड क्वार्टरली रिजल्ट भी लगातार अच्छे आते जा रहा है। एंड इनका टैक्स का कुछ लफड़ा नहीं है। अगर हम देखते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट में जाते हैं, तो अगर हम यहाँ पे टैक्स में देखते हैं तो टैक्स में इन लोग जो होना चाहिए था एग्जैक्टली वही दिखाता है लगातार बेसिस में। ओवरऑल आपको 5 साल का देखना चाहिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं क्या ये कंपनी सेक्टर्स है, मतलब इंडस्ट्री पी को देख सकते हैं 13.9, अभी ये चल रहा है 5.41, तो ये महंगा तो नहीं खरीद रहा हो। पी मल्टीपल्स की बात करें तो दोस्तों अब मीडियन पी है 9.6, भाई साहब अभी तो हाफ में चल रहा है लगभग, तो इनको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनको क्या होता है दोस्तों, री रेटिंग होना हाईली चांसेस है। ये दोनों के लिए ट्रू होगा, दोनों के लिए ट्रू क्यों होगा, अगर पे रेशियो देखिए 0.24 है, ये इनसे काफ़ी बढ़ सकता है। जो स्विंग प्लेयर है वो क्या कर सकता है, 0.24 अभी पेग रेशियो चल रहा है, जब 10 होगा तब मतलब इनका डबल होगा तभी ये इनको छोड़ सकता है। तो डेफिनेटली उनको उस देर तक होल्ड करना चाहिए, एंड जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है मेरे जैसा वो डेफिनेटली पेग रेशियो जब तक 1 and 1.5 नहीं होता तब तक होल्ड करे। एंड स्टॉक पी जो अभी बहुत कम चल रहा है, इनको री रेट होने का समय दे, समय लग सकता है दोस्तों। मैं कोई यहाँ पे जादू की चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, जादू होने में समय लगता है दोस्तों, बट हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी जो इनके बारे में सेक्टर के बारे में, मुझे तो पूरा पेपर सेक्टर अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है और ये सेक्टर ही पूरा ऊपर जा सकता है। और मुझे पर्सनली स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आता है, स्पेशली ये सर्टिया इंडस्ट्रीज़ को लेकर रही मुझे ये कमेंट्री है। ये सर्टिया का शेयर प्राइस अभी जो 133 है, ये यहाँ से 750 जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आखिर क्यों, क्योंकि अगर हम इनका प्राइस में जाते हैं
तो अगर हम इनका देखते हैं, इट इज़ द मल्टीबैगर कंपनी। मल्टीबैगर कंपनी क्यों है, एक समय इनका शेयर प्राइस सिर्फ ₹2 के पास था, अभी 130 आ चुका है। तो ये चीज़ फिर से रिपीट होने के लिए तैयार है। बाकी बहुत सारे दोस्त होगा यूट्यूब में, ट्विटर में, जो इनका टेक्निकल चार्ट दिखाने के लिए तैयार है, उनसे आप ज़रूर टारगेट पूछ लीजिएगा। मैं यहाँ पे फंडामेंटल जो सारे पॉइंट बोला ये आपको कोई नहीं बोलने वाला, इसीलिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।